स्टडीज से रिलेटेड जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो आपको नींद आ जाती है पढ़ते हुए, दोस्तों आपको समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है, प्रैक्टिकली कुछ देखने को नहीं मिला इसलिए मैं नहीं पढ़ता। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में आ रहे होंगे दोस्तों, सब पे आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा मिलेगा। अगर दोस्तों विदाउट स्किप पे आप पूरी वीडियो देखते हो तो 100% गारंटी देता हूँ आपका दोस्तों नजरिया चेंज हो जाएगा, स्टडी को लेकर आपका नजरिया आज चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको चार टिप देने वाला हूँ। कितना टिप? चार टिप देने वाला हूँ। तो अगर चार टिप आप अप्लाई करते हो अपने स्टडी के टाइम दोस्तों, 100% आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्टिविटी सब कुछ अलग रहेगा। एक जो फर्स्ट टिप मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, फर्स्ट भी बता रहा हूँ दोस्तों, आप स्टडी को समझते हो तो आप समझते हो, तो आपके हिसाब से आप स्टडी समझते हो कि भाई पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है, पढ़ना है और एग्जाम देना है, पास होना है, बस। स्टडी ये नहीं होता कि एग्जाम सिर्फ पास करना है। अगर मैं बोलूँ कोई पुलिस ऑफिसर कोई केस को स्टडी कर रहा है तो ना कि उसको केस को स्टडी करके उसको एग्जाम देना रहता है, उसको सिर्फ केस को स्टडी करना रहता है, उसको एग्जाम नहीं देना रहता है, उसको पास नहीं करना पड़ता है। पर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो उस केस को स्टडी कर रहा है, तो उस केस को स्टडी कर रहा है तो उसको क्या एग्जाम देना है? नहीं। उसको पास होना नहीं, उसको टॉप करना नहीं। पर हम लोग एक बार बोलते हैं कि भाई उस केस को स्टडी कर रहा है। तो स्टडी का मतलब ये होता है कि एक टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक में आप घुस जाओ, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, उसके एडवांटेज देखो, उसके डिसएडवांटेज देखो, उस पे पढ़ने के बाद पूरा आप अपना सॉल्यूशन क्रिएट करो। अब बाद में अपना मत बोलो कि भाई ऐसा भी हो सकता था, ऐसा करते तो और अच्छा था, इसको बोलते स्टडी। अगर आप इस हिसाब से स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट दोस्तों और आउटपुट आता तो आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप इन्हांस हो जाएगा, आप एकदम अलग रहोगे सबके सामने, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से स्टडी करते हो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, पढ़ के पहले समझो, ये नहीं एग्जाम में पास होगा तो नहीं गया तो कोई बात नहीं, बट आपने समझा, पढ़ा, उसके एडवांटेज देखे, उसके डिसएडवांटेज देखे, फिर उसका सॉल्यूशन लिखा, फिर आपने एक चीज देखा कि नहीं ये भी सॉल्यूशन हो सकता था, काश वो सॉल्यूशन आता। तो जब आप अपना मत वहाँ क्या बोलते हैं अप्लाई करते हो, अपना मत देखते हो तो दोस्तों आप स्टडी कर रहे हो। पहला टिप हमारा यही था कि दोस्तों आप स्टडी से आपका नजरिया चेंज हो जाता है, स्टडी होता है दोस्तों, आपको सिर्फ पास नहीं होना, आपको सिर्फ टॉप नहीं करना है, आपको एक्चुअल स्टडी करना है, जिसको हम स्टडी बोलते हैं। अब हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, क्या आता है सेकेंड पॉइंट? तो सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों, हम लोग हमेशा कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं, हम हमेशा रेस में लगे रहते हैं कि नहीं यार उससे ज्यादा लाना है, इससे ज्यादा लाना है, इस बार इससे ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, उससे ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, इसमें मुझे टॉप करना है, इसमें फर्स्ट आना है, इसमें मुझे सेकंड आना है, इसमें थर्ड आना है, नहीं यार उससे ज्यादा रहूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मुझे ये देगी, पापा ये देगी, ये सब दोस्तों एकदम गलत है दोस्तों। ये सब चीजें दोस्तों आपको कभी इनहांस नहीं करेगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपको कॉम्पिटिशन में नहीं उतरना है, आपको कॉम्पिटिट करना है, बट बाहर कॉम्पिटिट मत करो, अंदर कॉम्पिटिट करो, आप बहुत आगे चले जाओगे दोस्तों। आपको कॉम्पिटिट किसको करना है दोस्तों? अपने पास्ट को कॉम्पिटिट करना, किसको? पास्ट को। अगर आपने आज 70 लाया था पिछले टाइम में, इस बार आप 80 ला रहे हो, तो यस आप जीत गए, आप फर्स्ट आ गए, आपने टॉप मार दिया, क्योंकि आपने अपने पास्ट को दोस्तों तोड़ दिया। अगर आज 80 लाया है, कल आप 90 लाओगे, परसों 100, उसको बोलते हैं पास्ट को कॉम्पिटिट करो। अगर आप क्या बोलते हो, बाजू वाले कॉम्पिटिट करोगे, उसने 80 लाया, आपने 82 ला दिया, फिर उसने 85 लाया, आपने 87 ला दिया, उसने 70 लाया, आपने 72 ला दिया, तो हमेशा छोटे में रह जाओगे, आप छोटे में रह जाओगे। आप अपने पास्ट को कॉम्पिटिट करो कि नहीं मैं उतनी मेहनत की थी, इस बार ज्यादा करूंगा, अगली बार इससे ज्यादा आएगा, जो मेरा पिछला आया था। अगर आपका 35 आ रहा है, इस बार 45 आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, आप फर्स्ट आए, आपने टॉप मारा, कि आपने अपने पास्ट को तोड़ दिया। अपने पास्ट को तोड़ना ही कंपटीशन को तोड़ना होता है। अपने पास्ट को तोड़ दो, बाजू वालों को छोड़ दो, उनको लड़ने दो, बट आप लड़ो मत। सेकंड टिप यही था कि आप अपने पास्ट को कॉम्पिटिट करो, ना कि किसी और को। थर्ड टिप ये कि ये बोलना छोड़ दो कि पढ़ाई में मजा नहीं आता, समझ नहीं आता, दिख नहीं रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा है, मैं समझना चाहता हूँ बट समझ में नहीं आता, ये नहीं इसलिए मैं आज नहीं पढ़ा, उसलिए आज नहीं पढ़ा, मुझे मजा नहीं आता यार, मजा आना चाहिए तब पढ़ता मैं, क्योंकि पढ़ाई मजा नहीं, सब में मजा आता, ये चीज़ में मजा आता, पबजी खेलने में मजा आता, टिकटॉक देखने में मजा आता, पढ़ने में मजा नहीं आता। आप दोस्तों बताओ कि छठ टिप मेरा यही कि तो आप ये बोलना छोड़ दो कि पढ़ने में मजा नहीं आता। अगर आप जब बोलते हो तो बहुत सारे यहाँ लॉ अप्लाई होते हैं, मैं वो नहीं बताना चाहूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एक बात बताऊँगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस
उसके बाद मैं बताऊंगा तीसरा डिंग कि आपका थॉट चेंज होना चाहिए पढ़ाई में। आप सोचते हो कि मजा नहीं आता इसलिए मैं नहीं पढ़ता, मुझे उस चीज़ में मजा आता है इसलिए वो चीज़ बहुत अच्छे से करता हूँ। आपको मैंने पूछा नहीं, आपको किसी ने पूछा नहीं, आपको किसी एग्जामिनर ने पूछा, आपको पेरेंट्स ने आपको नहीं पूछा कि मजा आता है कि नहीं आता, आपको कोई नहीं पूछता मजा आता है कि नहीं पता, आपसे किसी ने पूछा कि मजा आता है, आप क्यों बोलते हो हर बार कि नहीं यार मुझे नहीं मजा आ रहा है। अरे मुझे एक बात बताओ, आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, ठीक है, आपको ब्लड चढ़ाया जा रहा है और ब्लड चढ़ाते वक्त क्या डॉक्टर को बोलते हो, नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मत लगाओ, ये हम बोलते नहीं क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं बोलते यार नहीं मजा आ रहा है, मजा भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, ये दोनों चीज वहाँ नहीं रहता है, यहाँ ये रहता है कि नहीं यार मेरे पास नहीं चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूँ। न्यूट्रल रहो हमेशा, आप लोग ये चीज़ मत देखो मजा आ रहा है, ये चीज़ मत देखो मजा नहीं आ रहा है, आप लोग हमेशा न्यूट्रल रहो कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं इसलिए मैं नॉलेज ले रहा हूँ, बात खत्म। आप ये माइंड से हटा दो कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए मुझे, वो करने में मजा आता है, मजा आता है कुछ नहीं पूछा, तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ के टॉपिक से रिलेटेड, मैं उससे नॉलेज ले रहा हूँ बात खत्म, इससे मुझसे कोई पूछ ही थोड़ी रहा कि यार मजा आ रहा है, तो आपसे किसी ने पूछा कि मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है बताओ मुझे, आप दोस्तों आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपको मजा आ रहा है मजा आ रहा है, आपकी बात छोड़ना, ये बात आप छोड़ दो कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा मुझे मजा आ रहा है, ये बात को बोलना छोड़ दो कि मुझे मजा आता है नहीं, आप लोग हमेशा न्यूट्रल रहा करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो आप खाली इसलिए पढ़ रहे हो आपको नॉलेज चाहिए, बात खत्म, आपको नॉलेज चाहिए, आप दवा खाते हो दोस्तों इसलिए खाते हो कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए बस, आप नहीं बोलते नहीं यार तीखा है मीठा है मैं नहीं खाऊंगा, आप कभी ये बात नहीं बोलते क्योंकि यार वहाँ बीमारी का इलाज करना रहता है, ना कि उसको देखना कि तीखा है मीठा है, तीखा है तो मैं छोड़ूंगा मीठा तो मैं खा लूंगा, ये नहीं आपसे कोई पूछता, आपको बीमार हो आपको खाना है बात खत्म, ये सब चीज न्यूट्रल है लाइफ में, क्या है न्यूट्रल, और आपको भी इसके हिसाब से न्यूट्रल रहना, अगर आप न्यूट्रल रह दो तो हर चीज आप कैच कर लोगे दोस्तों, क्या कर लोगे कैच कर लोगे दोस्तों, मेरा तीन ट्रिक हो गया, चौथा ट्रिक दोस्तों मेरा यही है कि कभी भी दोस्तों अगर आप बहुत मेहनत किए दोस्तों, अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आए जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे, आपने सोचा था कि 90% आएंगे पर आपका 80 आ गया, तो कभी रोना नहीं, कभी नाराज नहीं होना, आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर आप फेल भी हो गए तो भी आपको ये नहीं समझना कि नहीं यार फेल हो गए, आपको हर चीज़ में अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, अगर आप 100% देते हो तो वहाँ दो चीज़ें होती है, तो एक तो आपको पता रहता है आप कभी नाराज नहीं होते खुद से, आपको पता नहीं है मैंने पूरी कोशिश की थी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, शायद मैंने जो पढ़ा था मेरे क्वेश्चन पूरी है बट मैंने उस चीज़ में बहुत मेहनत की थी, ये मेरा नहीं आया इसलिए मेरा पेपर दिखा नहीं, आपको पता रहता है साथ में आपके माँ बाप को भी पता रहता है कि नहीं बच्चा मेरा पढ़ रहा था, बच्चा मेहनत कर रहा था मेरे सामने तो पढ़ता था, चलो नहीं हुआ अगली बार होगा, मतलब आप हमेशा सेटिस्फाई रहोगे दोस्तों, अगर आप सेटिस्फाई रहोगे तो आपसे कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहेगी, अपने आप को दोस्तों हमेशा सेटिस्फाई रखो, आप जितना कर सकते हो उतना कर दो बात खत्म, आप अगर 100% ला सकते तो ला दो, उतना अगर 40 भी ला सकते हो आपके अंदर अपनी कैपेबिलिटी तो ला दो, कोई बात नहीं आपको कोई बोलने वाला नहीं, आप खुद से सेटिस्फाइड हो, आप खुद को मत सोचो कि नहीं यार इतना आना चाहिए उतना आना चाहिए मैंने इतना नहीं पढ़ा, अरे बात की बात यार नहीं आया नहीं बात खत्म, बट आपने तो बोली उसके अंदर एक पेड़ उतना ही बढ़ता है जितना कुछ बढ़ना चाहिए, तो आप उतना ही पढ़ो आप उतना ही मेहनत करो जितना कुछ करना चाहिए, बस बात खत्म, चार अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अप्रिशिएट कीजिए, हमें आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो सर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, और दोस्तों कोई भी क्या बोलते हैं गलती हुई होगी दोस्तों तो हमें माफ़ करना क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है, हम भी आपसे सीख रहे हैं आप हमसे सीख रहे हो सब कुछ सीख रहे हैं दोस्तों, कोई भी गलती को दोस्तों उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।